प्रियंका गांधी वाड्रा। नमस्कार माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज आपने मुझे इस सभा में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। सबसे पहले जो सुरक्षाकर्मी, जो जवान अफसर 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा के लिए शहीद हुए, उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहती हूँ। महोदय, हजारों साल पुरानी हमारी देश की, धर्म की एक पुरानी परंपरा रही है। ये परंपरा संवाद, चर्चा की रही है, एक गौरवशाली परंपरा है जो दर्शन ग्रंथों में, वेदों में, उपनिषदों में दिखती है। वाद विवाद और संवाद की हमारी पुरानी संस्कृति है। अलग अलग धर्मों में भी, इस्लाम में, सूफियों में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, सिख धर्म में भी ये वाद संवाद, ये चर्चा बहस, इसकी संस्कृति रही है। इसी परंपरा से उभरा हमारा स्वतंत्रता संग्राम। हमारा स्वतंत्रता संग्राम विश्व में एक अनोखा संग्राम था, एक अनोखी लड़ाई थी जो अहिंसा और सत्य पर आधारित थी। ये वाद संवाद की जो परंपरा है, इसको इस संग्राम ने आगे कैसे बढ़ाया? क्योंकि ये जो संग्राम था, ये जो लड़ाई थी हमारी आज़ादी के लिए, एक बेहद लोकतांत्रिक लड़ाई थी। इसमें देश के किसान, देश के जवान, देश के मजदूर, देश के अधिवक्ता, देश के बुद्धिजीवी, चाहे किसी भी जाति के हों, चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे किसी भी भाषा को बोलते हों, सब इस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। सब ने हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और उसी आज़ादी की लड़ाई से एक आवाज़ उभरी जो हमारी देश की आवाज़ थी। वो आवाज़ ही आज हमारा संविधान है। साहस की आवाज़ थी, हमारी आज़ादी की आवाज़ थी, और उसी की गूंज ने हमारे संविधान को लिखा और बनाया। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद जी, राजगोपालाचारी जी और जवाहरलाल नेहरू जी और उस समय के तमाम नेता, जैसे आपने कहा, इस संविधान को बनाने की जो कार्य में सालों के लिए जुटे रहे। हमारा संविधान इंसाफ, उम्मीद, अभिव्यक्ति और आकांक्षा की वो ज्योत है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है। अध्यक्ष महोदय, इस ज्योत ने हर एक भारतीय को ये पहचानने की शक्ति दी कि उसे न्याय मिलने का अधिकार है, कि उसमें अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने की क्षमता है, कि जब वो आवाज़ उठाएगा तो सत्ता को उसके सामने झुकना पड़ेगा। इस संविधान ने हर एक देशवासी को ये अधिकार दिया कि वो सरकार बना भी सकता है और सरकार बदल भी सकता है। ये ज्योत जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है, उसने हर हिंदुस्तानी को ये विश्वास दिया कि देश की संपत्ति में, देश की दौलत में, संसाधनों में उसका भी हिस्सा है, कि उसे एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद का अधिकार है, कि देश बनाने में भी उसकी भागीदारी है। उम्मीद और आशा की ये ज्योत
मैंने देश के कोने कोने में खुद देखी है। उन्नाव में मैं एक रेप पीड़िता के घर गई, उसे जलाकर मार डाला था। वो शायद 20-21 साल की होगी। हम सबके बच्चे हैं, हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी बेटी के साथ बार बार बलात्कार हुआ और फिर जब वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए गई तो उसको जलाकर मार डाला गया होता तो हम पर क्या बीतती। मैं उस बच्ची के पिता से मिली, उसके खेत जलाए गए थे, उसके भाइयों को पीटा गया था, उसके पिता को बाहर से घर के बाहर घसीट कर मारा गया था। उस पिता ने मुझे बताया कि बेटी, मुझे न्याय चाहिए, मेरी बेटी अपने FIR को दर्ज करने के लिए जब ज़िले में गई तो उसको मना किया गया, अगले ज़िले में जाना पड़ा उसे। वो रोज़ सुबह 6 बजे उठकर तैयार होकर अकेली अपने मुकदमे को लड़ने के लिए अगले ज़िले में ट्रेन से जाती थी। उसके पिता ने मुझे कहा कि मैंने उससे कहा, बेटी अकेले मत जाओ, छोड़ दो ये लड़ाई, लेकिन उसकी बेटी ने उसको जवाब दिया कि नहीं पिताजी, मैं अकेली जाऊंगी, मैं लड़ूंगी, ये मेरी लड़ाई है, मैं इसको लड़ूंगी। ये लड़ने की क्षमता, ये हिम्मत उस लड़की को और करोड़ों भारत की नारियों को हमारे संविधान ने दी। आगरा में मैं अरुण वाल्मीकि के घर गई। अरुण वाल्मीकि पुलिस स्टेशन में काम करता था, सफाई का काम करता था। आप सोच सकते हैं, हमारी तरह उसका भी परिवार था, नई नई शादी हुई थी, 2-3 महीनों का बच्चा था। पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई, चोरी का इल्ज़ाम उस पर लगाया गया, उसके पूरे परिवार को उठाकर पुलिस स्टेशन में ले गए। आप हंस रहे हैं लेकिन ये गंभीर बात है, गंभीर बात। शर्म करो, शर्म। अरुण वाल्मीकि को पीट पीट के मार डाला, उसकी बीवी को पीटा, उसके पिता के नाखून निकाले, उसके पूरे परिवार को पीटा गया। जब मैं उस जवान महिला से मिलने गई जो अभी अभी विधवा हुई थी, तो उसने मुझे कहा कि दीदी, हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, हमें न्याय चाहिए, और हम इस न्याय के लिए लड़ते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये हिम्मत उस महिला को हमारे संविधान ने दी। संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने, जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। अब सुनिए। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा लिखाएगा, एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा अपनी जीवन, दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए, उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है, कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, मैं अपने पिता का सपना साकार करूंगा। ये सपना, ये आशा उसके दिल में हमारे संविधान ने डाली। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के करोड़ों देशवासियों के संघर्ष में, अपने अधिकारों की पहचान में, इनकी कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़ने की अपार हिम्मत में और देश से न्याय की अपेक्षा में हमारे संविधान की ज्योत जल रही है। मैंने हमारे संविधान की ज्योत को जलते हुए देखा है और इसके साथ साथ ये भी समझा है कि हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा सुरक्षा कवच है
जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है, न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आज़ादी का कवच है। दुख की बात यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने इन 10 सालों में ये सुरक्षा कवच, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय, कि आज संविधान 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 बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी, कि इस चुनाव में हारते हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ने इसका जिक्र किया, ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में ये नतीजे आए। ये जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि किसकी क्या स्थिति है और नीतियां उस हिसाब से बने। इनकी गंभीरता का प्रमाण ये है कि जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोर से जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब, भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, इनका ये जवाब था। ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर। महोदय, हमारे संविधान ने आर्थिक न्याय की नींव डाली, किसानों गरीबों और को जमीन बांटी, भूमि सुधार किया, जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने HAL, BHEL, SAIL, GAIL, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरी, स्टील, तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश से कभी मिटाया नहीं जा सकता। 75 सालों में जनता का भरोसा रहा कि नीतियां बनेंगी तो जनता की भलाई के लिए बनेंगी। जल जंगल जमीन का अधिकार मिला आदिवासी भाई बहनों को। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया, खदानों का राष्ट्रीयकरण कराया। कांग्रेस और UPA की सरकारों में शिक्षा का, भोजन का अधिकार मिला। 75 सालों में जनता का भरोसा मिला। पहले संसद चलती थी तो जनता की उम्मीद होती थी कि सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा करेगी, कोई उपाय निकालेगी, कोई रास्ता निकालेगी। लोग मानते थे कि अगर कोई नई आर्थिक नीति बनेगी तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, तो भारतीय बाजार को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, उनके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए बनेगी।